गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर नाइन प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें सबसे पहला जो पी है दैट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में हम अपने पिछले चैप्टर में पूरी डिटेल में कर चुके हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज जो मार्केटर ऑफर कर रहा है कस्टमर को उसे सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टर्म यूज हो रही है प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिक्स। मिक्स का क्या मतलब है प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है वो टोटल सभी प्रोडक्ट्स का जो एक कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर को मार्केट में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए उस टोटल ऑफरिंग को हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो मिक्स क्या है एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट जो एक बिजनेस फॉर्म कर रही है मार्केट में कस्टमर्स को सपोज अगर एक कंपनी है एक ब्रांड है सपोज हम लेते हैं एलजी एलजी अगर मोबाइल फोन्स बना रहा है एलजी अगर वॉशिंग uh, मशीन बना रहा है एल अगर सी प्लेयर्स बना रहा है एल अगर टीवी uh, बना, uh, बना रहा है आपके तो उन सब के टोटल को हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स तो एक जो प्रोडक्ट मिक्स है वो एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट कोई भी बिजनेस फॉर्म कर रही है ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही हों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक हिंदुस्तान आ, लीवर लिमिटेड है अगर वो मैन्युफैक्चर और सेल कर रहा है डिफरेंट वैरायटीज टॉयलेट सोप्स के वॉशिंग सोप्स के शैम्पूस के हेयर ऑयल्स के डिओड्रेंट्स के टूथपेस्ट के डिटर्जेंट पाउडर्स के कॉस्मेटिक आइटम्स के तो उन पूरे को हम उस पूरा जो ये पूरा होल ग्रुप है प्रोडक्ट उस सबको हम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे Product mix strategy क्या होती है? Product mix strategy, है 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 एक कंपनी कंपनी का प्लान होता जो जो वो वो कर रही है market में और जो product mix strategy है, वो decide करती एज पर दीड्स टेस्ट एंड लाइकिंग्स ऑफ कंज्यूमर क्योंकि जो एक कंज्यूमर है वो सिंगल प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है एक पर्सन जो है एक कंज्यूमर जो है उसके पास नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है जिसमें से वो चूज कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई करेगा तो एक जो मैन्युफैक्चरर है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट करेक्टरस्टिक्स वो प्रोड्यूस करता है ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है उनको वो सेटिस्फाई कर सके अपनी जो सेल्स है उसे मैक्सिमाइज कर सके और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके डेफिनेशन क्या है प्रोडक्ट मिक्स की अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ फॉर्म और बिजनेस यूनिट प्रोडक्ट मिक्स क्या है जो भी कंपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है उन सबका टोटल जो कंपनी ऑफर कर रही है सेल के लिए बिजनेस यूनिट जो ऑफर कर रही है मार्केट में एक जो फॉर्म होती है, है, जब वो वेरियस वेरियस प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसे प्रोडक्शन डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट उसने बनाने हैं तो हम तीन लेवल स्पेस को डिवाइड करते हैं एक है प्रोडक्ट आइटम नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइन और तीसरा है प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जैसे हमने अभी बात की कि टोटल जो भी कंपनी ऑफर कर रही है प्रोडक्ट आइटम का मतलब उन सब में से जब हम पूरे टोटल में से किसी एक चीज को ले रहे हैं तो उसे हम प्रोडक्ट आइटम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन अगर वो किसी पर्टिकुलर आ, आ, आप कीजिए कि यूज से रिलेटेड है रिलेटेड आइटम्स है तो वो हमारी प्रोडक्ट लाइन बन जाती है सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारा हिंदुस्तान यूनिवर है लिमिटेड है वो टॉयलेट uh, सोप भी बना रहा है वॉशिंग सोप भी बना रहा है शैम्पू भी बना रहा है हेयर ऑयल्स भी बना रहा है और डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर बना रहा है तो इसमें प्रोडक्ट आइटम क्या है प्रोडक्ट आइटम हुआ सपोज अगर एच जो है वो बना रहा है लक्स तो जो लक्स है वो आपका प्रोडक्ट आइटम हो गया प्रोडक्ट लाइन क्या हो गई अगर जो आपका कंपनी uh, है वो लक्स जो है लक्स इंटरनेशनल बना रही है लक्स बना रही है या लक्स की कुछ और वेराइटीज वो बना रही है लक्स रोज बना रही है या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में वो बना रही है तो वो आपकी प्रोडक्ट लाइन कहलाती है तो इनको हम डिटेल में देखते हैं सबसे पहला है प्रोडक्ट आइटम प्रोडक्ट आइटम का मतलब है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कुछ सर्टेन स्पेसिफिकेशन के साथ जिसे आप दूसरे प्रोडक्ट और ब्रांड से डिफर कर सकते हो उसे हम प्रोडक्ट आइटम कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर प्रोडक्ट आइटम इज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट हैज अ सेपरेट डिजाइनेशन इन द सेलर्स लिस्ट तो जो एक जो मैन्युफैक्चरर है जब वो एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सिंगल प्रोडक्ट ही उसका प्रोडक्ट आइटम है और अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया कि अगर हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड है वो प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट सोप डिफरेंट ब्रांड्स में जैसे लक्स हिमाम रिक्सोना जेल लरल लाइक बॉय एसेट्रा तो ये हर एक जो आइटम है सेपरेट जो लक्स है वो सेपरेट प्रोडक्ट आइटम है हमाम है वो सेपरेट प्रोडक्ट आइटम है रेक्सोना है वो सेपरेट प्रोडक्ट आइटम है तो ये जो हर एक आइटम है इसे हम अलग अलग प्रोडक्ट आइटम कहेंगे तो एक जो सिंगल प्रोडक्ट है जिसकी सेम स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे कि ब्रांड नेम साइज कलर यूटिलिटी प्राइस एक्सेट्रा तो उसे हम प्रोडक्ट आइटम कहेंगे नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट लाइन एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स को हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं और वो जो आइटम्स होते हैं जो प्रोडक्ट आइटम्स हैं वो रिलेटेड हैं अगर एक दूसरे से तो वो प्रोडक्ट लाइन कहलाए जाएंगे फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट सोप्स हैं तो टॉयलेट सोप्स की जितनी भी रेंज उसमें जितने भी ब्रांड्स एच प्रोड्यूस कर रही है वो उसकी प्रोडक्ट लाइन में आ जाएंगे जैसे लक्स हिमाम रिक्सोना जय लाइक बॉय ये सारे टॉयलेट सोप्स हैं तो ये एक प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की जो सेम नीड डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स की कस्टमर्स की फुलफिल करती है तो अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेंटन ब्रॉड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर असेंशियलीजनेबली सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिकोडक्ट लाइन ब्रॉड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जो सिमिलर यूजेस के लिए बनाए गए हैं और जिनका मोस्टली फिजिकल करेक्टरिस्टिक सेम है उसे हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनकी प्रोडक्ट लाइन हो सकती है जैसे एक मैन्युफेक्चर है वो टेलीविजन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो टेलीविजन की अलग एक प्रोडक्ट लाइन हो गई रेफ्रिजरेटर की अलग प्रोडक्ट लाइन हो गई वॉशिंग मशीन में जितने भी वो वेरियंट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो अलग प्रोडक्ट uh, लाइन हो गई तो जो प्रोडक्ट लाइन है वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स है और वो प्रोडक्ट आइटम्स क्लोजली रिलेटेड हैं टू वन एंड अदर तो जितने भी ब्रांड्स और मॉडल सेम प्रोडक्ट के एक कंपनी लेके आ रही है वो उसकी प्रोडक्ट लाइन कहलाएंगे नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट मिक्स फुल लिस्ट सभी प्रोडक्ट्स की जो कंपनी ऑफर कर रही है सेल के लिए कस्टमर्स को उसे हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर बीपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है टेलीविजन रेफ्रिजरेटर्स वॉशिंग मशीन म्यूजिक सिस्टम वैक्यूम क्लीनर्स मोबाइल फोन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन हैं ये डिफरेंट मॉडल्स इन प्रोडक्ट्स के वो बना रही है तो इन सब के टोटल को हम बीपीएल कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे जरूरी नहीं है कि जो ये प्रोडक्ट लाइंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए वो डिफरेंट भी हो सकती है जैसे अगर टी सीरीज कंपनी है वो ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट्स भी बना रही है और साथ में वो वॉशिंग पाउडर भी बना रही है मिनरल वाटर भी बना रही है तो ऑडियो कैसेट्स अलग प्रोडक्ट लाइन है वॉशिंग पाउडर अलग प्रोडक्ट लाइन है एक प्रोडक्ट लाइन दूसरे प्रोडक्ट लाइन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो प्रोडक्ट आइटम्स है वो रिलेटेड होने चाहिए जो आप क्योंकि उसी को जब प्रोडक्ट आइटम्स रिलेटेड होंगे उसी को हम प्रोडक्ट लाइन कहेंगे लेकिन जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन प्रोडक्ट मिक्स इज द कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ फॉर्म और बिजनेस यूनिट देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स ये जो टॉपिक है इससे आपको जो भी हमने तीनों आइटम्स अभी की कि प्रोडक्ट uh, आइटम किसे कहते हैं प्रोडक्ट लाइन किसे कहते हैं और प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी तो डाइमेंशंस क्या है डाइमेंशंस का मतलब है वो एंगल्स वो बेसिस जिसके बेसिस पर जो प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी का हम स्टडी करते हैं तो एक कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी फोर डायमेंशन है लेंथ डेस्टेंसी एग्जाम्पल हम लेते हैं सपोज बी पी एल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो स्टीडियोज एंड सी डी प्लेयर्स बना रही है और उसके अंदर जो उसके पास डिफरेंट आइटम्स है दैट इज एटीन प्रोडक्ट आइटम्स है अब ये एटीन जो है दैट इज डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्जन हो सकते हैं स्टीडियोज और सी डी प्लेयर्स के देन टेलीविजन्स हैं रेफ्रिजरेटर्स वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर एयर कंडीशनर अब ये जो आपके स्टीरियोज एंड सी डी प्लेयर्स हैं है, ये आपकी एक प्रोडक्ट लाइन है टेलीविजन आपकी दो प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट लाइन है रेफ्रिजरेटर आपकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन है तो टोटल कंपनी के छह प्रोडक्ट लाइन्स हैं और इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं अगर हम कहते हैं कि टेलीविजन की प्रोडक्ट लाइन में कंपनी ने चौदह तरीके के जो प्रोडक्ट आइटम्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं किएटीज ऑफर की हैं 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 तो उसके प्रोडक्ट प्रोडक्ट आइटम्स आइटम्स जो वो अब इन का जब आप टोटल करते हो दैट इज तो वो कंपनी का टोटल प्रोडक्ट मिक्स है अब इसमें जब हमने फोर डायमेंशन की जिनकी बात की है दैट इज लेंथ डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी क्या है कंपनी की सबसे पहले लेंथ जो है वो क्या कहलाई जाएगी जो भी टोटल है प्रोडक्ट आइटम्स का उसे हम लेंथ कहेंगे तो 54 हमारी जो प्रोडक्ट आइटम्स हैं वो हमारी लेंथ है डेप्थ है हमारी जो 54 हमारी टोटल प्रोडक्ट आइटम्स हैं जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है जो हमारी सिक्स है तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू नाइन जो आई हमारा जो डेप्थ है प्रोडक्ट नेक्स्ट की देन नेक्स्ट है हमारा लार्जर इसमें सबसे कौन सा है 18 मैक्सिमम जो है और मिनिमम कौन सा है 3 देन विथ क्या है इसकी विथ जो हमारी निकली है दैट इज 6 मतलब 6 कैसे आई हमारी 6 है जितनी हमारी प्रोडक्ट लाइन है वही हमारी विथ कहलाई जाएगी तो और कंसिस्टेंसी कैसे पता चलती है अगर जो भी आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसमें कुछ कॉमन है तो वो हमारी कंसिस्टेंट है अगर वो उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट लाइंस में देखें स्टीरियो सी डी प्लेयर्स टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर एयर कंडीशनर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं तो मतलब फुल कंसिस्टेंसी है अगर इसमें सपोज हमने एड कर देते हम इसमें टॉयलेट सोप या आपका बाथिंग सोप तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो फुल नहीं होती फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हमारी प्रोडक्ट लाइन तो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो होता है है इन प्रोडक्ट से कि जो कंपनी वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को जो डिसाइड कर रही है कि क्या हमें प्रोड्यूस करने हैं उसकी डायवर्सिटी कितनी है तो इसी में हमने इन डायमेंशन को पढ़ा तो लेंथ हमने बात की कि जो भी प्रोडक्ट मिक्स का टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स जैसे यहाँ पे 54 था। देन डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जब हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन से तो हमारे पास डेप्थ आ जाती है प्रोडक्ट मिक्स की देन विथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स जो भी हमारे पास टोटल है हमारी प्रोडक्ट लाइन्स का उसे हम कहते हैं विथ ऑफ प्रोडक्ट नेक्स्ट देन हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ दी प्रोडक्ट अगर सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड है उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या किसी और तरीके से तो वो कंसिस्टेंट कहलाई जाएगी अगर नहीं है तो वो इनकसिस्टेंट होगी लेकिन कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंसी दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही अच्छा है अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो भी अच्छा हो सकता है जैसे अगर कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट मिक्स में तो आपकी एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशनल जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं और जो गुडविल है मैन्युफैक्चर की वो इंक्रीज होती है इससे आपको डिस्प्ले में ट्रांसपोर्टेशन में वेयर हाउसिंग में हेल्प होती है लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है आपका सारा रिस्क एक ही जगह पे कंसंट्रेट होता है तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप कीजिए कि डिप्रेशन आता है स्लम्प आता है तो कंपनी को हैवी लॉस हो सकता है और एक प्रोडक्ट अगर फेल हो जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल्स पर भी पड़ेगा लेकिन अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में आप कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हो तो आपको डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर आप इनकं की पॉलिसी अडॉप्ट करते हो तो जो आपका बिजनेस रिस्क है वो स्कैटर्ड हो जाएगा और इससे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सिस को ऑप्टिमल तरीके से यूज कर सकेगा और मोस्ट ऑफ दी जो कंपनी है वो इनकन्सिस्टेंसी की पॉलिसी को ही अडॉप्ट करती है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच